जय गुरुजी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा इवनिंग स्नैक से, लेकिन आपको पहले ये वाला स्नैक परोस दिया जाए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैंने कहा आज आपका मूड बढ़िया कर दिया जाए जीजू के जोक से शुरू करके। सुना दो कोई। एक बारी ना मोदी जी की बातें सुन के एक बंदे ने सोचा कि मैं आत्मनिर्भर बनता हूँ, तो क्या किया उसने, किचन में गया, चार पीस ब्रेड के सेके और उन पे हरी चटनी लगाई और खा गया। वाह, है ना। उसके बाद उसकी बीवी एक घंटे से चिल्ला रही है और बोल रही है कि मैंने फ्रिज के अंदर मेहंदी भिगो के रखी थी, कहाँ गई? वो चुपचाप कोने में बैठा हुआ। ओ माय गॉड, आत्मनिर्भरता का चटनी बना के आया है, मेहंदी खा ली उसने। आत्मनिर्भर बनो। इसके बाद जो उसको लगी होंगी और चार दिन जो बीवी को उसकी सेवा करनी पड़ी होगी, सारी आत्मनिर्भरता डूब गई मेहंदी में। चलो जी गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। टाइम टू मेक इवनिंग स्नैक गाइस। आज मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए आटा वेज मोमोज एंड मोमोज की चटनी। तो ये मैंने पानी में 3 साबुत कश्मीरी लाल हरी मिर्च भिगो रखी हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 3 टमाटर और कुछ लहसुन और बॉईल करेंगे। तो जी इसमें टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैबेज को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन चॉप कर लिया है ये मोमोज़ की फिलिंग के लिए। लो जी, हो गया सब कुछ बॉईल। अब हमने क्या करना है, टमाटर के पील्स को निकाल देना है, ठीक है जी। ये है ना छिलके, ये हटा लेंगे हम। और ऐसे ही हम मिर्ची की जो डंडी है उसको हटा देंगे। फिर हम बाकी सबका पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में। तो गाइस अब पीस लिया मैंने मिक्सी में मिक्सचर और अब हम चटनी बनाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इसमें जाएगा सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा शुगर। तो बढ़िया से मिक्स करके 2-3 मिनट पका लेंगे बस, और हमारी शेजवान मोमोज चटनी इज रेडी। है ना इजी। आप चाहो इसमें ओरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हो, आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो, इसमें शेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हो, बट फिर ऑलरेडी बहुत स्पाइसी हो गई है। और यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं आटे के और अब हम बनाते हैं मोमोज। तो जी अब बारी है मोमोज का मिक्सचर रेडी करने की। और मेरा ना ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है एक्चुअली, मैंने कल किचन से उतारा था, कुछ गेस्ट आए थे तब, तो पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने, इसलिए मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ रहा है क्लिप। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हीट कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक को सौते करेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें कैबेज और उसके बाद नॉर्मल नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला बस। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करके बंद कर लूँगी और फिर मैं मोमोज़ के लिए बनाऊँगी। लो जी फ्रेंड्स, सौते हो गई है हमारी कैबेज एंड गार्लिक और इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चंकी चाट मसाला ऐड करा है। बस 2 मिनट इसको ऐसे स्टर फ्राई करा है, ठीक है। अब इसकी फ्लेम बंद कर दी है मैंने, ठंडा हो जाएगा ये थोड़ा सा। अब हम मोमोज तैयार करते हैं। यहाँ मैंने स्टीम करने के लिए कुकर में पानी चढ़ाया है और मैंने इडली का सांचा निकाल लिया, मैं इसी के अंदर मोमोज रख के स्टीम कर दूँगी। ये मैंने मोमोज इसमें तैयार कर लिए हैं, लास्ट वाले में तैयार हो रहे हैं। शेप जैसी मुझे आती है बनानी मैं बना देती हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ शेप बनाने में, फिर भी आपको दिखा देती हूँ। एक ऐसे पूरी सी बेल ली और ये इसके अंदर भरा मोमोज का मसाला और मैं इस तरह से रैप करना शुरू करती हूँ। ऐसे ऐसे फोल्ड किया, ये आ गया, इतना रह गया। तो उसके बाद ऐसे इसको चिपका के दीवार के साथ पतला कर दिया। ये देखो जी हमारा मोमो, ठीक है जी। बस एक और बना के फिर मैं स्टीम करने रख दूँगी पार्क। ये देख, एनी कॉमेंट्स पार्क? बहुत मेहनत कर रहे हो आप, थैंक यू। अब तेरे को टेस्टी भी लगना चाहिए। बहुत लगेगा मेरे को, मुंह में पानी आ रहा है बार बार यहाँ आके। हाय राम, चल तू बंद कर दे।
ओके जी, अब इसको स्टीमर में रखने से पहले हम हल्का सा इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे, ठीक है जी, ताकि हमारे मोमोज जो हैं वो एकदम मस्त थोड़े ट्रांसलूसेंट टाइप्स बने। तो हल्का सा मैं ऑयल ब्रश कर देती हूँ सारे मोमोज पे और फिर हम इसको स्टीम करने रख देंगे पानी में। लो जी दोस्तों, स्टीम हो गए हमारे आटा वेज मोमोज विद मोमोज शेजवान चटनी एंड मेयो सॉस, एवरीथिंग मेड एट होम हेल्दी, बस ये बाहर गए। चलो जी खिलाते हैं बेटे को। जय गुरु जी। लो जी, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। आराम से फूंक मार के एक दिया था, इनको लपेट भी गए। एक तो एक ही होता है, स्वाद बना था लेकिन बहुत। थैंक यू। चटनी कैसी लगी? बहुत बढ़िया है पार? बहुत ज्यादा स्वाद है। सही बन गई मोमोज चटनी जैसी? बिल्कुल। ये तुम मोमोज चटनी है? बस मेरे बेटे को अच्छा लगा ना। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ मतलब तुम्हें भी अच्छा लगा, अच्छी बात है, बनाया तो इसी के लिए। और एक हम भी टेस्ट कर रहे हैं गाइस, आ जाओ आप भी कर लो। ओए थोड़ी सी मेयो, मुझे तो मेयो के साथ मज़ा आता है। ठीक बने? गुड, शाबाश तुम बेटा। वेरी गुड, शाबाश मोहित शर्मा की बीवी, शाबाश, अच्छी रेसिपी है। गुड। जय साईं राम फ्रेंड्स, फाइनली ये है जो मैंने फ़ोटो मंगवाई थी ना साईं बाबा की। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि उस व्लॉग में जब मैंने आपको बताया था कि मैंने मंगवाई है अपनी हाउस हेल्प के लिए, तो वो टूटी हुई निकली थी, उसका फ्रेम टूटा हुआ था। तो मुझे काफ़ी दिन लगे, 4-5 दिन अमेज़ॉन के साथ स्ट्रगल करने में कि रिप्लेस हो जाए, क्योंकि रिप्लेसमेंट आई पर मेरे घर तक नहीं पहुंची और गलत स्टेटस अपडेट कर दिया डिलीवरी बॉय ने कि उसने कांटेक्ट किया है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जबकि उसने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो मैंने बहुत अमेज़ॉन कस्टमर केयर में बातें कर करके आज मुझे फाइनली रिप्लेसमेंट मिल गई है और ये बिल्कुल ठीक पीस है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। जय साईनाथ। तो अब कल आएगी मेरी हाउस हेल्प तो मैं उसको दूँगी। वैसे मैंने आज उसको बता दिया सारी बात कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो खुश हो गई सुनकर कि आने वाले हैं। जय साई राम। जय गुरु जी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो अब हो रही है एक तरह से इंट्रोडक्शन व्लॉग में। शुरू में तो ये सीधा मोमोज की रेसिपी से शुरू हो गया था जो कि मैंने इस दिन से पिछले दिन शाम को बनाए थे, और आज सुबह मैं तैयारी कर रही हूँ मकबैंग की, जिसके लिए मैं बनाने वाली हूँ सोया चांप मसाला ग्रेवी। तो उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका मकबैंग ऑलरेडी मेरे चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट पे जा चुका है, वहाँ पे लोग रेसिपी की वेट कर रहे हैं। तो एक प्याज है और 4 बड़े टमाटर और अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, इसको मैं पानी डाल के बॉइल करूँगी अच्छे से। उधर चांप बॉईल हो रही है, जो फ्रोजन चांप का पैकेट आता है वो मैंने सारी चढ़ा दी है धोकर बॉईल करने के लिए। यहाँ मैं मैरिनेशन पेस्ट बना रही हूँ, दही जो मैंने अच्छे से विस्क करी हुई है उसके अंदर डालेंगे, नमक हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च जीरा पाउडर और सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सोया चांप का। और उसके बाद जो सोया चांप बॉईल हो गई है उसको मैं पीसेस में कट करके मैरिनेटेड जो मिक्सचर है उसके अंदर कोट कर लूंगी। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। एक्चुअली मेरे पास सोया चांप मसाला नहीं था तो मैं पाव भाजी मसाला भी डाल लेती हूँ, कोई भी मसाले डाल लो टेस्ट तो आ ही जाता है। और 1 चम्मच ऑयल डालना है आपको इस मैरिनेशन में, ठीक है जी। और ग्रेवी के लिए जो कुछ हमने बॉईल किया है उसमें हम टमाटर के पील्स उतार करके उसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड मोड पे कटिंग दिखाई है आपको चांप की, बहुत ही बढ़िया चांप है ये, फ्रोजन चांप मिलता है इसका पैकेट, मैं तो बिग बास्केट से ऑर्डर करती हूँ, 6 से 7 पीस निकलते हैं आई थिंक, और वो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत हो जाते हैं। तो अभी तो खैर इस दिन तो सिर्फ मैंने, पार्थ ने और मम्मी ने ही खाई थी ये, मोहित तो घर पे थे नहीं और पापा भी नहीं थे। तो मैंने मकबैंग के लिए मेजरली बनाया था ये चीज़ क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करती है दीदी चांप खाओ चांप खाओ। उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने 1-2 बार खाई है लेकिन उनका आई थिंक चांप फेवरेट है उसकी, तो वो बार बार लिखती हैं, तो मैंने कहा चलो अब काफ़ी गैप हो गया बना लेती हूँ।
तो हमारा मसाला भी तैयार हो गया। अब कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है, जय अन्नपूर्णा माता की। खड़े मसाले और तेज पत्ता डालेंगे पहले एकदम गरम गरम तेल में, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो करके इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही साथ में हमारा पेस्ट करा हुआ मसाला भी डाल देंगे। नहीं तो हल्दी और लाल मिर्च जो है वो गर्म तेल में जल के काली हो जाती है, वैसा ना हो उसका ध्यान रखें। पेस्ट डालकर अब इसको थोड़ा सा पकाना है हमें ठक ठक के 3-4 मिनट हिलाते हुलाते, ताकि अच्छे से इसका सारा कच्चापन हट जाए। कोई जो अंदर लहसुन अदरक वगैरह भी सब पिसा हुआ है, कुछ भी कच्चा ना रहे। वैसे तो सारी चीजें एक बार बॉईल हो चुकी हैं, फिर भी अब इसमें हमने मैरिनेटेड चांप जो है वो डाल दिए। आप मैरिनेट करके 1 घंटा तक रख सकते हो, नहीं तो आधा घंटा भी रख लो तो ठीक है। मैरिनेशन वाले पतीले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी डाल लिया है। अब हमें इसे फिर से लो फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। बचा हुआ नमक डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक मैंने चांप की मैरिनेशन में डाला था तो वो ध्यान रखते हुए नमक डालना है। और ये डाल रही हूँ मैं अचारी आलू मसाला, आप डाल सकते हो सोया चांप मसाला, किचन किंग मसाला, जो भी आपको पसंद हो। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और क्रश करके डालेंगे। बढ़िया से इसको अब हम ठक ठक के 5-7 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद आप फ्रेश क्रीम से गार्निश करो, धनिया डालो और मस्त तंदूरी रोटी, नान, किसी भी साथ चपाती बनाओ उसके साथ खाओ। अब यहाँ पे लाल प्याज का सैलेड भी मैंने मकबैंग में रखा है, तो उसकी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसे बड़ा सा प्याज लेके उसके रिंग्स के लच्छे बना लीजिए, थोड़ा साइज ऐसा कि बहुत बारीक और पतले लच्छे ना हो। फिर एक बीटरूट को मैंने मिक्सी में ऐसे ब्लेंड कर लिया है, उसके 2-1/2 चम्मच लिया है। इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, नींबू बहुत बड़ा है इसलिए मैं आधा ही डाल रही हूँ, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। फिर इसमें आप काला नमक डालिए जरूर, व्हाइट मत डालिए, काला नमक और भुना हुआ जीरा मसाला। अगर फ्रेश भुना हुआ जीरा डालेंगे तो और भी बढ़िया है। सब कुछ मिक्स करें और आप देखें बीटरूट के रंग का कमाल जो चढ़ता है, कैसे लाल लाल पर्पल कलर का प्याज बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। एकदम जैसे शादियों में या फिर जो होती है ना तंदूरी चीजें बनाते हैं शाम को स्नैक्स, वो लोग देते हैं स्नैक्स के साथ, चांप वगैरह के साथ इस तरह। तो जी नहा धो के जय हो गई और अपने कमरे में आ गई हूँ मैं। कुछ कपड़े मैंने तय लगा दिए थे, उन्हें समेट लिया है और अब बारी है एडिटिंग की। मकबैंग शूट करने से पहले मुझे एक वीडियो व्लॉग एडिट करना था जो इस दिन शाम को जाना था, तो अभी बस मैं बैठकर 1-1.25 घंटा एडिटिंग करूंगी। उसके बाद हम चलेंगे किचन में, खाना देंगे सबको घर पे और मकबैंग करेंगे। हेलो जी, फाइनली हमारे भी दर्शन कर लो, जय गुरु जी। तो अब टाइम है मकबैंग का टेबल से जाने का, लंच टाइम हो चुका है, शूट करना है मकबैंग। तो सोया चांप तो तैयार है और साथ में रखेंगे हम स्टफ्ड कुलचा। तो ये मैंने हल्दीराम का मिनट खाना का आलू कुलचा मंगाया है, इसके अंदर 4 पीस होते हैं मीडियम साइज़ फ्रोज़न, तो मैं इसमें से एक बनाऊँगी, मतलब बस सिर्फ गर्म करना है आई थिंक। यहाँ मैंने साबूदाना पापड़ फ्राई कर लिए हैं, यहाँ सोया चांप मसाला तैयार है, सैलेड भी कट चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा लग गया है मकबैंग प्लेटर, चांप, सैलेड, पापड़, कुलचा, श्रीखंड एंड रोज लस्सी। जय गुरुजी, जय अन्नपूर्णा माता की। हाउ इज इट? बहुत मस्त एकदम। आज मैंने भी मकबैंग में यही खाई है, और मैंने पूरा पैकेट बना दिया, सोच मैंने कहा पार्ट को आज सरप्राइज मिलेगा, खुश हो जाएगा एकदम। बस जय गुरु जी। देखो जी, हमने इनसे पहले ही 2 जोक निकलवा लिए थे, एक शुरू में डाल दिया व्लॉग के, एक एंड में। अब तो व्लॉग पूरा देखना ही पड़ेगा आपको। जीजू शुरू में भी मिल गए, एंड में भी। सुना दो जी। ओके,
एक बारी क्या होता है कि एक लड़की ना सड़क के बीच में चक्कर खा के बेहोश होके गिर जाती है। हाँ। तो एक बुढ़िया आंटी बोलती है जल्दी से कोई नींबू पानी लाओ, जल्दी से नींबू पानी लाओ। ठीक है, एक बुढ़ा जाता है बेचारा, वहाँ जाके 20 रुपए खर्च करता है, नींबू सोडा बनवाता है, लेके आता है फटाफट बुढ़िया को देता है, बुढ़िया पी जाती है। हैरान होता है, कह रहे ये क्या हुआ, कह रही यहाँ जब ऐसी सिचुएशन होती है ना मेरा मन घबराने लगता है। चलो बढ़िया, आंटी शिकंजी छक गई। और उस लड़की का क्या हुआ? वो तो पता नहीं, मूर्छित अवस्था में पड़ी है। चलिए, और भी कुछ है आपके पिटारे में? आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है, अब मेरी कॉल शुरू होने वाली है। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ओके गाइस, बाय बाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बाय। फ्रेंड्स, आज के शाउट आउट जाते हैं संजना रिदलान X061 या 6LF को और पूजा मेघवा 135 83 को। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राधे राधे।